Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to discuss the question answers of 12th Standard English, Chapter 1.6, Into the Wild. So first of all, you will see the difficult words along with their meaning. इस चैप्टर के सब डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मीनिंग्स के साथ में. सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ वंस गो थ्रू दिस वर्ड्स. अगर आपको इन वर्ड्स के ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए. ये आपको एज अ क्वेश्चन एज अ एक्टिविटी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. थिंग्स टू रिमेंबर, देख लीजिए कि आपको इस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं. देन इज इंट्रोडक्शन. सो पैसेज को समराइज करके बताया गया है. दिस इज अबाउट द ऑथर. चलो नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, द आइस ब्रेकर्स. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप बहुत डर गए थे, बहुत बुरी तरीके से किसी काम में फंस गए थे. पर्सनल रिस्पॉन्स है, कंप्लीटली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 55 से है. सो टेबल है, इसमें आपको एक्टिविटीज़ बताई गई हैं. एन एक्टिविटीज़ के सामने आपको बताना है कि वो हॉबी है, पैशन है या प्रोफेशन है. एंड रीज़न क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है वो आपको बताना है. सो टेबल कंप्लीटेड आपको दिया गया है. सिंपली आप ये एक्टिविटी कॉपी डाउन यहाँ कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम. जनरल नॉलेज बेस्ड मैच द कॉलम है. सो यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट बुक में से स्ट्रेट अवे गूगल का हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट पैसेज नंबर 1 हम देखेंगे, पेज नंबर 56 एंड 57. सो फर्स्ट देखो, फ्लो चार्ट है एक सिंपल सा. ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पैसेज है उसे बहुत आराम से, बहुत ध्यान देके पढ़ें. आपको आंसर कम्प्लीटली मिल जाएगा, जल्दबाजी ना करें. एंड जब भी आप पैसेज में से आंसर्स को लिखें तो आंसर्स को हम गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम पूरा का पूरा जो आंसर होता है वो पैसेज में से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. सो जब आप ऐसे कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको मार्क्स अप टू डेट नहीं मिलेंगे. सिंपली आपको अपने आंसर्स को थोड़ा एक्सप्लेन भी करें. जब आप आंसर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आता है एंड सिंपल भी है क्योंकि इसमें आपको अपने खुद के थॉट्स एंड व्यूज़ को लिखना होता है. तो चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर पर्सनल रिस्पॉन्स को लिखने का ट्रिक देखेंगे. सो इमेजिन करना है कि आप जंगल में कहीं घूम गए हो और जैसा हमारा राइटर इस पैसेज में, इस स्टोरी में फील कर रहा था, कुछ उसी तरीके की सिचुएशन में आप हो. तो ऐसे सिचुएशन में आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स आएंगे. सो बहुत सारी न्यूमरस चीज़ें हैं जो आ सकते हैं कि हमें कैसे जंगल से बाहर निकलना है, कैसे हेल्प लेना है, अगर कोई जंगली जानवर मिल जाए उसका सामना कैसे करना है, स्क्रीम करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से अपने एनर्जी को यूटिलाइज करना है, सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो. वोकैबुलरी देख लो, सेम हमने
मीनिंग गेस करना है। तो जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो वर्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं से ये सारे वर्ड्स भी लिए गए हैं। नेक्स्ट है ग्रामर का क्वेश्चन। द सराउंडिंग वर रिमाइंडिंग मी बिगिन द सेंटेंस विद वर्ड आई। सो सिंपली यहाँ पर जो हमने मी, जो प्रोनाउन मी है उसको रिप्लेस करके आई से स्टार्ट करना, मीन्स हमें सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ेगा उसे। सो आई वॉज बींग रिमाइंडेड बाय द सराउंडिंग, दैट विल बी द आंसर। पैसेज टू देखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सिमिलर क्वेश्चंस। सो आपका पेज नंबर 57-58 से ये पैसेज लिया गया है। मैं जस्ट इसको स्लाइड अप करता हूँ स्टूडेंट्स, आप पॉज करके आंसर्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे, ज़्यादा टाइम आपको अपने आंसर्स के लिए वेट ना करना पड़े। इस पर्सनल रिस्पॉन्स, सो पर्सनल रिस्पॉन्स को लिखने का एक सबसे सिंपल मोस्ट ट्रिक है कि आप जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स लिख रहे हो, आप ट्राई करो कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, एंड जो भी आपके थॉट्स एंड व्यूज हैं उसे आप शॉर्ट एंड सिंपल में बता दो, जिससे कि आपको पर्सनल रिस्पॉन्स का मार्क्स मिले। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहें। बेस्ट एजुकेशन क्लासेस हमेशा अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रेडी है। चैनल का प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करें। स्टैंडर्ड फर्स्ट टू टेंथ ऑल द वीडियोस ऑफ डाइजेस्ट एज वेल एज एक्सप्लेनेशन इज बीन अपलोडेड टू द चैनल। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पैसेज। सो कुछ लाइन दिया है पैसेज में, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करके एलोबरेट करके लिखना होता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी क्वेश्चन। पैसेज 5, पेज नंबर 60-61। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि आपको तीन में से स्टेटमेंट को पहले बताना है कि वो सही है या गलत है,
एंड अगर गलत है तो उसे आपको करेक्ट करके भी लिखना होगा। आप डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में ज़रूर देखें अपने एग्जाम्स में। ग्रामर सेक्शन चेंज द वॉइस का ये ग्रामर है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ इंटीग्रेटेड यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे which are already given in your textbooks. At last is writing activities. ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल का ये आपका सिंपल अपील राइटिंग है। अपील बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें एक छोटा सा इमेज यानी कि आइकन या क्लिप आर्ट मिसिंग है तो आप उसे भी बना सकते हो और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। राइटिंग स्किल की भी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है तो एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर ज़रूर चेक करें। एंड कुछ दिनों में चैनल का रीच थोड़ा कम हो गया है जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच नहीं रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें फॉलो किए हैं। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनसे हम चैनल को ग्रो कर सकें। ये आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा चैनल के ग्रोथ के लिए। होप सो आप सबने क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली कॉपी डाउन कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।